रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बोनलेस कढ़ाही, बेहद मज़े की कढ़ाही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये मज़े की चिकन बोनलेस कढ़ाही की रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा बनाइए और अपना फीडबैक दीजिए। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप जी। आज हम बहुत ही मज़े की चिकन बोनलेस कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इस कढ़ाई के अंदर जो मसाले थे आपको दिखाए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, ब्लैक पेपर, ये शामिल करेंगे। एक कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, और इसको ढक्कन देके 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो अब ढक्कन उठा के देखते हैं। अब इसके अंदर पानी है, इसको पानी को अच्छा सा हम ड्राई करेंगे, फिर इसकी हम बुनाई करेंगे। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे हम। मसाला देख सकती हैं आप कि अच्छे से यकजान हो गया है। आप देख सकती हैं जी, अब इसके अंदर हम ये दही ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे। इसकी 2-3 मिनट के लिए बड़ी अच्छी सी हमने बुनाई करनी है ताकि इसी का सारा जायका जो है बुनाई से ही निकल के आता है, इस बोनलेस कढ़ाई का। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च, धनिया और अदरक शामिल करेंगे। अब इसके अंदर अदरक शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्च, धनिया, और गरम मसाला, और इसको दम के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, फिर इसको डिश आउट करेंगे। लीजिए, मज़े की चिकन बोनलेस कढ़ाई हमारी तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये मज़े की चिकन बोनलेस कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा बनाइए
और अपना फीडबैक दीजिए। जज़ाकअल्लाह।